राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी का कर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.5 आप लोगों की चल रही है, जिसमें प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला सवाल आपका है छठवां का बच्चों, 2x प्लस 1 का घन, फिर दूसरा है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b का होल घन, चौथा है, तीसरा है बच्चों 3/2x प्लस 1 का होल घन, चौथा प्रश्न है x माइनस 2/3 y का होल घन। यही चार प्रश्न है बच्चों, इसमें से हम आपको 2 बता दे रहे हैं। तो प्रश्न 6 का पहला है आपका, इसका हल देने जा रहे हैं सॉल्यूशन 6 का पहला। पहला प्रश्न आपका है 2x प्लस 1 का होल घन। तो बच्चों इसमें सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, सर्वसमिका x प्लस वाई का होल घन, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई, कोष्टक में एक्स प्लस वाई का प्रयोग करेंगे, इसी के सहारे हम इसका प्रसार कर देंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा आपका 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3, फिर पहला पद हुए दूसरा पद, पहला पद 2x का दूसरा 1 है, इन ब्रैकेट पहला पद धन दूसरा पद, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा 2 का घन 8 हो जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, कोष्टक तोड़ दो बच्चों, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर प्लस 6 करने 6, यह था। अगर इसको कोई क्रम में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। यही जो है घन को प्रसारित रूप में लिखने लिखा गया है, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। ये आंसर है पहले का बच्चों, ठीक है, समझ गए। सर्वसमिका क्या x प्लस वाई का होल क्यूब होल घन, तो x क्यूब x घन प्लस वाई घन प्लस 3 x वाई में पहला पद हुए दूसरा पद, इन ब्रैकेट पहला पद धन दूसरा पद, इसका प्रयोग करके इसका हम जो है प्रसार कर देंगे, जो कि आपका आंसर हो गया बच्चों। यह पहला पद 2x है, दूसरा 1 है, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 सूत्र में है 3 पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, सिर्फ इसका घन कर दिए हैं, 2 का घन 8 हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, तो यह कोष्टक तोड़ देंगे बच्चों, तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर, और इसका 6x का वर्ग भी करेंगे 6x, यह जो है अवरोही क्रम में लिख दिए हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो एक और बता रहे हैं बच्चों, जिसमें दोनों में सर्वसमिकाओं में प्लस माइनस वाला है, तो माइनस वाला हम चौथा बता दे रहे हैं आप लोगों को। 6 का चौथा प्रश्न ये आपका है x माइनस 2/3y का होल घन। अब इसमें माइनस वाली सर्वसमिका लग जाएगी, जहाँ जहाँ प्लस है वहीं माइनस करना है आपको। तो
ये हो जाएगा आपका यक्स माइनस वाई का होल घन माइनस 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 ये। इस यक्स माइनस वाई का होल घन या पूर्ण घन, अब उसी के सहारे इसको तोड़ देंगे तो यह बच्चों हो जाएगा आपका क्या, यक्स का घन माइनस दुई बटे तीन वाई का घन माइनस तीन इंटू पहला पद गुणे दू बटे थ्री दूसरा पद ब्रैकेट में यक्स माइनस टू अपान थ्री वाई, ये प्रसार कर दिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका यक्स क्यूब माइनस दुई दुई का क्यूब दू दुनी चार दुनी आठ आठ तीन तिकाना तक सत्ताईस वाई क्यूब माइनस देखो तीन से तीन काट देना ऊपर नीचे अगुला में है तो ये हो जाएगा टू यक्स वाई इन ब्रैकेट यक्स माइनस टू अपान थ्री वाई ठीक है। कोष्टक तोड़ दीजिए ये हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस आठ बटे सत्ताईस वाई क्यूब माइनस टू यक्स स्क्वायर वाई गुणा करेंगे यक्स गुणे यक्स यक्स कहते दो हो जाएगा बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो दो दूनी चार बटे तीन यक्स वाई स्क्वायर ये रहा। अगर क्रम से लिखते हैं यही इसको आंसर मानिए ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ प्रसार करना बच्चों इसमें कुछ नहीं। अगर आपको सरसम का यक्स प्लस वाई का होल घन यक्स माइनस वाई का होल घन आता है तो इसी के सहारे मतलब एक पद मानेंगे पहला पद है दूसरा पद है उसी के सहारे आप करते चले जाएंगे आपका उत्तर निकलता जाएगा बच्चों। गाइए प्रश्न नंबर सात में उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए उपयुक्त सर्वसमकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न इसका है 99 का होल क्यूब, दूसरा है 102 का होल क्यूब, तीसरा है बच्चों 998 का होल क्यूब, यही तीनों प्रश्न है। उपयुक्त सर्वसमका का प्रयोग करना उस तरह नहीं करना, ये नहीं कि 99 का गुणा तीन बार कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो हल में आएंगे, हल सात का पहला प्रश्न क्या है 99 का होल क्यूब, इसमें बच्चों सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। सर्वसमिका यक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री यक्स वाई कोष्टक में यक्स माइनस वाई का प्रयोग करेंगे क्योंकि घटा के लाना है। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 100 माइनस एक का होल क्यूब, 99 था
99 में से 100 99 है तो 100 में से एक घटाएंगे 99 हो जाएगा। और 100 संख्या का प्रयोग कर देंगे हम तो हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, पहला पद 100, दूसरा पद 1, फिर 100 माइनस 1। इस सरल संख्या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होल घन पूर्ण घन की बात कर रहे हैं। इसका प्रसार करेंगे बच्चों तो 100 पर हो जाएगा 6, मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 ये हो गया, माइनस 1 माइनस 300 हो जाएगा, 100 माइनस 1 ब्रैकेट तोड़ दो बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 माइनस 30,000 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 300 हो गया। देखो बच्चों इसमें जो है क्या 2 प्लस है और 2 माइनस, तो माइनस को माइनस में जोड़ दो प्लस को प्लस में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 300 और यहाँ 300, ठीक है। माइनस 3 और 3 जीरो उतारना 1, ये माइनस प्लस हो गया। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो यहाँ लिख कर घटा देना, और तीन जीरो 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 ये घटा दो, 9 9 2 0 10 में से 3 गलत 7 या 9, ये उत्तर हो गया आपका इकाई दहाई सैका हज़ार दस हज़ार लाख 9,70,299, ये हो जाएगा आपका 9,70,299, ये बेटा बच्चों आपका आंसर हो गया। सिर सर संख्या का प्रयोग था, सर संख्या ये जो लिखे हैं इसी का प्रयोग कर देंगे आपका काम हो जाएगा। इस 99 को 99 को 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये था माइनस वाला सर संख्या। दूसरा इसमें है आपका एक सौ दो है जो कि प्लस वाली सर संख्या है। दूसरा प्रश्न आपका है सातवां का 102 का होल घन, तो ये प्लस वाला है बच्चों, इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल घन, प्लस वाली सर संख्या बन जाएगी, प्लस 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 इसका प्रयोग कर देंगे, इसके सहारे तोड़ देंगे तो 100 का होल घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणे प्रथम पद 100 गुणे दूसरा पद 2 हो जाएगा इन ब्रैकेट 100 प्लस 2, ये होगा बच्चों आपका प्लस 2 में 4 में 8 हो जाएगा, घन करेंगे तो प्लस 2 2 में 3 में 6 6 100 100 प्लस 2, कोष्ठक तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0 0 प्लस 8 प्लस 6 पर जो है 40 प्लस 6 दूनी 12 20, इसको जोड़ देंगे हम तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देख रहे हैं इकाई पाठ है, यहाँ 8 लिख देंगे, फिर दहाई पर देखो 0 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 1, 4 अंक ख़त्म हुआ, फिर यहाँ लिख कर जोड़िए नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे, तो 8 फिर 6 पर 4 सुनना, फिर क्या है 1200 जोड़ेंगे 8 0 2 1 6 0 1,
ये हो जाएगा आपका 12 6 1 0। ये आंसर हो गया बच्चों। अलग से आप जो है जो घटाना यहाँ कर लेंगे जिससे आसान रहेगा, नहीं तो गलत कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। ये प्लस वाली सरसंख्या थी, इसके पहले जो है माइनस वाली सरसंख्या थी। इसके बाद एक सवाल हम और बता रहे हैं आपको, वो ये सातवां था, आठवां में भी इसी तरह से है। एक और देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, ये तो पहला इसमें है बच्चों 8 8 1 क्यूब। पहला है 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 2b 12 a² b प्लस 6 ab² 6 ab² पहला है। फिर दूसरा दिया गया है 8 a³ माइनस b³ माइनस 12 a² b प्लस 6 ab² दूसरा था। फिर तीसरा है बच्चों 27 माइनस 125 a³ माइनस 135 ए प्लस 225 a² फिर चौथा है बच्चों 64 a³ माइनस 27 b³ माइनस 144 a² b प्लस 108 ab² ये था चौथा। पांचवा दिया हुआ है आपका इसी में 27 a³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये है बच्चों पांच प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न 8 में, और इसका गुणनखंडन करना है बच्चों। ध्यान से देखना, आप लोग करेंगे। आइए पहला बता दे रहे हैं, बस अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। सिर्फ प्रश्न इसका हल 8 का पहला में दिया है बच्चों 8 a³ प्लस b³ प्लस 12 a² b प्लस 6 ab² इसको बच्चों हम ये लिख सकते हैं 2a³ प्लस b² प्लस 3
ठीक है, और 3 × 2 8 और 3 12 है, तो इंटू बी कोष्टक में लिख सकते हैं 2a + b, तो यह देख रहे हैं क्या बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 2a + b का होल की, ये इसी का प्रसार है बच्चों, मतलब पहला पद का होल क्यूब और दूसरे पद का। यहाँ देखो वह सूत्र बन रहा है, तो इसमें सर्वसंख्या का प्रयोग है, सर्वसंख्या ये आपकी है सर्वसंख्या आपका है x + y का होल क्यूब, जिसको आप कह सकते हैं a³ + b³ + 3ab कोष्ठक में a + b, इसी के प्रयोग से हमने इस पूरे को क्या लिख दिया, यह लिख दिए हैं, ठीक है, यही आंसर हो गया। इसी तरह सारी सवाल 3-5 सवाल है, आप इसी कार्य कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ अगर आपको मालूम है सर्वसंख्या का प्रयोग कर लेंगे तो। यहाँ देखो सब प्लस है, इसका मतलब प्लस वाली सर्वसंख्या लग जाएगी, यहाँ देखो दूसरे में माइनस है तो माइनस वाली सर्वसंख्या हो जाएगी होल क्यूब का, यहाँ भी माइनस है माइनस वाला, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, सिर्फ एक में प्लस था, प्लस वाली सर्वसंख्या यह है। एक और बता दे रहे हैं, जैसा कि माइनस वाला बता रहे हैं, या बटा वाला ले लो, यह ले लीजिए, यह आपका तीसरा ले लो, पहला दूसरा तीसरा, मतलब तीसरा प्रश्न बता रहे हैं बच्चों, 27 - 125 a³ - 135 a+225 a²। देखो इसको लिखोगे क्या, ये माइनस वाली सर्वसंख्या हो गई, देखो ये माइनस है तो ये हो जाएगा सर्वसंख्या, इसका प्रयोग करो माइनस का, माइनस सर्वसंख्या बदल गई बच्चों, तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तीनों माइनस कर देंगे वह सर्वसंख्या लागू हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 3 ^3 - 5 a³ - 3, सूत्र में है पहला पद आपका 3 है, दूसरा है 5a, कोष्ठक में 3 - 5a। अब इसी को बच्चों तोड़ेंगे तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 5 × 25 = 25, 25 × 125 होगा, यह देखिए 3 × 9 = 9, 9 × 45 = 45, 3 = 135, ये हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, मतलब 5 × 25 = 25, 9 = 225 स्क्वायर, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 - 5a³। ये उत्तर है बच्चों आपका, इसी तरह पूरी सवाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इस तरह से आप लोगों को 3 सवाल बता दिए, तीनों में से 2-2 सवाल बताए हैं, सिर्फ सर्वसंख्या x + y का होल घन और x - y का होल घन दोनों का प्रयोग करते हुए आप डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे बच्चों शॉर्टकट में, ठीक है।